नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द एसपी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा आप दीजिए, उसमें से तीन या चार क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चैप्टर का नाम है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, अभी तक आप लोगों ने इसे बहुत पढ़ा होगा, बहुत से टीचरों द्वारा पढ़ा होगा। इसमें मैक्सिमम लोग सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बिना सूत्र के आप पूरा फिगर काउंटिंग समझ सकते हैं, केवल ट्रिक्स है आपको कि कैसे हम समझेंगे, कैसे फिगर की काउंटिंग करेंगे। और आपको अगर ना पता हो तो केवल इसमें जो है चार तरह के फिगरों की काउंटिंग की जाती है। पहला आपका रहता है द्वय, दूसरा आपका रहता है आयत, तीसरा आपका रहता है त्रिभुज। वर्ग, आयत और त्रिभुज, ये तीन चीजें मेन है कि वर्ग की संख्या निकालने को रहता है, या आयत की संख्या निकालने को रहता है, या फिर त्रिभुज की संख्या निकालने को रहता है, और एक कभी कभी पूछा जाता है रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या, ठीक। तो ये चार चीजें पूछने को आती हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर ये वर्ग क्या है, ये आयत क्या है, ये त्रिभुज क्या है, ये रेखा क्या है। तो वर्ग की अगर हम बात करें तो चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 अंश के हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग में क्या बताया कि चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और जिसके कोण कितने होने चाहिए, 90 अंश के होने चाहिए, उसे वर्ग कहते हैं। आयत की अगर बात की जाए तो आयत का मतलब यह हुआ कि ऐसी चार भुजा से घिरी आकृति जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। अब एक प्रश्न ये बताइए कि क्या वर्ग आयत है, क्या वर्ग आयत है? तो अगर जो है मुझे एक 5-स्टार होटल में गेट कीपर बनाकर रख दिया जाए और उस होटल में जो है अगर आयतों की पार्टी चल रही है, डिनर पार्टी चल रही है, किसकी, आयत की, आयत की डिनर पार्टी चल रही है और मैं खड़ा हूं गेट पर, और अगर आयत वर्ग आता है तो मैं उसे पूछूंगा कौन हो, तो वो कहेगा वर्ग है, वर्ग हूं मैं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये डिनर पार्टी जो चल रही है ये आयत की डिनर पार्टी है, आपके लिए नहीं है, आप जाइए। फिर वो जाता है कुछ देर बाद लौट के आता है और कहता है कि अच्छा ये बताइए कि अंदर जाने की शर्त क्या है, अंदर जाने की शर्त क्या है। तो मैं उसको बताऊंगा कि अंदर जाने की शर्त ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और उसके कोण 90 अंश होने चाहिए। तो वर्ग कहता है कि मेरी जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो क्या आमने सामने की भुजा अलग है क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं, ठीक है, तुम भी जाओ अंदर। मतलब कि वर्ग और आयत, वर्ग जो है आयत होता है, ठीक, और त्रिभुज की अगर बात की जाए तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो हमको प्रकार से नहीं मतलब, केवल इससे मतलब है कि त्रिभुज है या नहीं है। और रेखा, रेखा का मतलब यह है कि दो बिंदु को मिलाने से बनने वाली लाइन ही रेखा कहलाती है, दो बिंदुओं के बिंदुपथ को रेखा कहते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये चारों चीजें हैं, और हम आज पढ़ेंगे फिगर की काउंटिंग कि कैसे इसको काउंट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द स्पीड स्टडी। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं पहला चीज। पहला डिस्कस करेंगे कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या ज्ञात करना कि आखिर वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे हम, वर्गों की संख्या ज्ञात करना पहला टॉपिक आपका रहेगा वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे साधारण चीज देखिए, जैसे हमको दे दिया गया, ठीक, यही दे दिया गया और
पूछ लिया जाए कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए तो कुछ भी नहीं करना। मैंने बता दिया कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही आपको फिगर काउंटिंग में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक। तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए, हेलो दीपक, मुकेश, अजय, बताइए इसमें कितने वर्ग होंगे। मोहित 25, अनीस 28, 30। सही जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें कितने वर्ग होंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं, बताते हैं कितने वर्ग होंगे। कुछ नहीं करना, केवल आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, कुछ नहीं करना। 4 × 4 जो मैक्सिमम गिनती है उसको लिख लीजिए दोनों की। एक एक कम करते चलिए, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, जोड़ दीजिए, 4 × 5 = 9, 5 = 14, 14 × 4 = 20 की 0 से लगे 2 और 2 × 1 = 3, यानी कि वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, वर्ग की संख्या हो जाएगी 30। तो वर्ग निकालने के लिए, वर्ग की संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल नंबरिंग कर दीजिए, केवल नंबरिंग कर दीजिए, और नंबरिंग करने के बाद, केवल नंबरिंग कर दीजिए और नंबरिंग करने के बाद आप नंबरिंग करने के बाद केवल आप गुणा कर दीजिए, बस आपको वर्ग की संख्या मिल जाएगी। जैसे ये दिया गया है, इसमें पूछ लिया जाए कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या देख रहे हैं, 5 मैक्सिमम संख्या है, यानी 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, तो क्या देख रहे हैं, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, तो 4 × 5, 9 × 5 = 14, 14 × 6 = 20, 10 × 3 = 20, 50 × 5 = 55, इसका मतलब कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 55 है। किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए। आशीष, आशीष कह रहे हैं कि सर अगर गिनती असमान हो तो, चलिए हम देखते हैं गिनती असमान करते हैं। देखिए गिनती असमान कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, गिनती मैंने असमान कर दी। कुछ नहीं करना, वही चीज आखिरी गिनती ले लीजिए आप, 5 और 4 है, यानी कि 5 × 4, 5 से एक कम करिए 4, 4 से एक कम करिए 3, 4 से एक कम करिए 3, 3 से एक कम करिए 2, 2 3 से एक कम करिए 2, 2 से एक कम करिए 1, उसके बाद अगर हम करेंगे तो 0 मिलने लगेगा हमको, अर्थात 1 × 0 मिलेगा। कम करते चले जाइए, बस एक एक कम करते चले जाइए तो ये 0 मिल जाएगा, अर्थात ये 0, बस ये टोटल कर लीजिए, 5 × 4 = 20, 4 × 9 = 12, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, हल कर लीजिए, 6 × 6 = 8, 12 × 8 = 20, 20 = 40, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। ये तो था ट्रिक की, अगर आपको ट्रिक से दिया गया तब, अगर मान लीजिए ट्रिक ना दी जाए था, अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए जहां पर ट्रिक ना लगे, जैसे जैसे अगर कह दिया जाए दे दिया गया, अब कह दिया गया कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है, कह दिया गया कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। भाई हमको ये पता है कि 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग तो आपका सीधा सीधा हो गया, 6 वर्ग आपका सीधा सीधा हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम और निकालें तो एक वर्ग आपको ये दिख रहा होगा, एक वर्ग आपको ये दिख रहा होगा, तो 6 और + 1, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी हो गई, वर्गों की संख्या कितनी हो गई, और एक वर्ग आपको ये मिल रहा है, ठीक, एक वर्ग आपको ये मिल रहा है, तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 6 और 1, क्योंकि ये वर्ग इसलिए नहीं गए क्योंकि इसको मैंने लंबाई थोड़ा ज्यादा कर दी है, तो 7 वर्ग होंगे इसमें, इसमें कितने वर्ग होंगे, 7 वर्ग होंगे। तो ये चीज है वर्गों की संख्या ज्ञात करना, कि अगर ट्रिक से निकाला, ट्रिक लगेगी तो उस तरह, और ट्रिक नहीं लगेगी तो ये है। जैसे आगे देखिए, अगर प्रश्न यही रहता और आयत की संख्या ज्ञात करनी रहती, किसकी संख्या, आयत की,
आयत की संख्या याद कीजिए। तो आयत की संख्या अगर हमको निकालना है तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यही प्रश्न है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छः, एक दो तीन चार पांच छः। अगर इसमें कह दिया जाए कि आयत की संख्या ज्ञात कीजिए, तो केवल एक काम करना है, आप क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल दोनों जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद गुणा कर दीजिए। मतलब इसको जब आप जोड़ेंगे तो दो एक तीन तीन छः चार दस पांच पंद्रह, पंद्रह छः छः पांच ग्यारह इक्कीस। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये भी इक्कीस। तो वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, इक्कीस इंटू इक्कीस अर्थात कितना हो गया 441। अर्थात आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, 441 हो जाएगी। और अगर वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वर्ग कितना हो जाएगा, अगर बीसी में वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता तो 6 इंटू छ पांच इंटू पांच, चार इंटू चार तीन इंटू तीन, दो इंटू दो एक इंटू एक। तो ये आपका था वर्ग और ये था आपका आयत। और अगर केवल यही प्रश्न रहता और कह दिया जाता केवल आयत ज्ञात कीजिए, केवल आयत ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आयत है कुल आयत अर्थात वर्ग प्लस आयत, इसमें से अगर हम वर्ग की संख्या निकाल दें अर्थात 6 × 36, 5 × 25, 4 × 16, 3 × 9, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, 4 × 5 = 9, 5 × 14, 14 × 26, 10 × 30, 30 × 50, 5 × 55, 55 × 6, 6 × 11, 61 × 3, 91। अर्थात इसमें से जब आप 91 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा केवल आयत। तो केवल आयत जो होंगे अर्थात इसमें कितने ऐसे आयत हैं जो वर्ग नहीं है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 350। किसी को कहीं भी समस्या हो तो तुरंत आप कमेंट करिए, किसी को कहीं भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट करिए। जैसे देखिए, अगर कह दिया जाए एक दो तीन चार पांच, एक दो दो एक तीन, दो एक तीन तीन छह चार दस पांच पंद्रह, अर्थात आयत अगर पूछ लेगा कुल आयत, तो 15 × 3 = 45, कुल आयत कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और अगर वर्ग इसमें कह दिया जाए इसमें कितने वर्ग हैं, तो हम देख रहे हैं 2 और 5, तो 2 × 5 1 × 4, 5 × 10 4 × 4। अब अगला करेंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात इसमें कितने, तो 10 × 4 = 14। तो जो वर्ग है वो कितना है, 14। आयत जो है वो कितना है, 45। ऐसे कितने आयत हैं जो, ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है, 45 − 14 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 31 आयत ऐसे हैं जो कि वर्ग नहीं है, 31 आयत ऐसे हैं जो कि वर्ग नहीं है। अगर आपको गिनने की बात की जाए तो मैं गिना भी सकता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 ऊपर है 5 नीचे, अर्थात 10 तो आपका ऐसे ही हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए 10 के बाद, देखिए 10 के बाद 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, तो अर्थात 4 × 8, 8 हो गया। उसके बाद देखिए, अब 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अभी तक हम 2 2 का लिए थे, अब 3 3 का लेंगे, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 × 3 = 6। समझ रहे हैं नहीं, किसी को कहीं भी समस्या हो बताइए। अब 4 4 का लेंगे, 1 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 × 2 = 4। फिर देखिए, अब 4 4 के बाद फिर क्या लेंगे, 5 का रंग ले लेंगे, तो 1 ऊपर ये बड़ा वाला पूरा, 1 ऊपर 1 नीचे, अर्थात 1 1 2, तो कितना हुआ टोटल के लिए, देखिए 8 2 10, 10 10 20, 20 के बाद 6 5 11 4 15, ठीक, तो 20 10 30 5 35, और 35 और 10 45, तो कितना हो गया आया, 45। हमने गिन के दिखा दिया, कोई गिन के दिखाया नहीं। अगर आप इसको कहें तो हम इसमें भी गिन सकते हैं, कोई भी कहीं भी कोई समस्या नहीं। अगर वर्ग गिनने की बात की जाए, अगर इसमें जैसे दीपक
दीपक कह रहे हैं सर इसमें वर्ग गिन के बताइए, तो हम वर्ग गिन के आपको दिखाते हैं कि इसमें 91 वर्ग कैसे हो रहे हैं, 91 वर्ग कैसे हो रहे हैं हम आपको वर्ग गिन के दिखा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो आपको दिख रहा है ना, 6 × 12 6 × 18 6 × 36 36 वर्ग इस तरह हो गया, अर्थात 6 × 6 आपका 36 हो गया। फिर देखिए 36 के बाद देखिए अगर आप इसका ले लें, अगर आप इसका ले लें तो 1 2 3 4 5 तो 5 इस 2 में 5 इस 2 में 5 इस 2 में 5 तो 5 5 10 5 15 कितना हो जाएगा 15। फिर देखिए इसके बाद अगर 3 3 का ले लें तो 1 2 3 4 ठीक 4 हुआ तो 4 इसमें तो 4 × 12 किसी को कोई समस्या। फिर देखिए अगर हम 4 4 का ले लें तो 1 2 3 तो 3 3 6 3 3 3 6 3 9 9। फिर देखिए अगर आप 3 में 3 3 में तो 1 2 3 4 तो 4 इस 3 में 4 ठीक 1 2 3 फिर इस 3 में 4 1 2 3 फिर इस 3 में 4 1 2 3 फिर इस 3 में 4 1 2 3 तो 1 2 3 4 4 × 12 अर्थात इसी तरह से जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास 91 वर्ग हो जाएंगे। तो ये था आपका वर्गों की संख्या ज्ञात करना, आयतों की संख्या ज्ञात करना। उसी क्रम में अगर हम आगे चले किसी को अगर कहीं समस्या हो बताइए, वर्ग और आयत की संख्या निकालने में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। इसमें दोनों में कुछ नहीं था, केवल ये था कि वर्ग वाले में हम जितनी संख्या होगी कालम की उसी संख्या को गुणा करके फिर एक एक घटाते चले जाएंगे, और आयत वाले में है कि जो संख्या होगी कालम की उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको गुणा कर देंगे, दोनों का वही आ जाएगा आंसर। अब हम अगला जो चलते हैं, मोहित सर समझ में आ गया, दीपक समझ में आ गया, आशीष समझ में आ गया, ठीक है मोहित, थैंक यू दीपक आशीष, आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। हाँ दीपक मैं आपका जो है कमेंट देख रहा हूँ, ठीक आशीष मोहित हाँ पंकज, तो चलिए देखते हैं कि एक आयत में देख लेते हैं जिसमें बिना ट्रिक की आपके रहे, बिना ट्रिक का मतलब जैसे मान लीजिए कह दिया गया आप इसमें अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, केवल गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ आयत तो आपके सीधे सीधे हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 चार आयत ये हो गया आपका। फिर देखिए एक यहां से ले रहा हूं ठीक, 2 फिर 3 और 4 चार ये हो गए। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो तुरंत आप बताइएगा, चार हो गए। अब देखिए इसके बाद एक तो आपका ये बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला है 5। फिर देखिए अब अगर आप ये वाला लेंगे पूरा ये बड़ा वाला तो 1 2 3 और 4 टोटल कर लीजिए 4 4 8 4 12 8 20 21 अर्थात आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 21 हो जाएगी, अब देखिए आगे उसी क्रम में त्रिभुजों की संख्या निकालना कि त्रिभुज
संख्या कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम प्रश्न यही पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या में जो पहला सवाल आपका रहेगा, पहला टाइप जो आपका रहता है वो ये रहेगा। ये अब इसी में त्रिभुजों की संख्या अगर निकालने के लिए आ जाए तो कुछ नहीं करना, केवल नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 नंबर करके सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 1 10। इसमें त्रिभुज कितने हैं? 10। अगर इसकी बात की जाए 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, फिर इसकी बात की जाए 1 2 3 4 5 6 6 5 11 11 4 16 16 3 16 3 19 19 और 1 20 2 22। 22 इस एक उस पे है और दो बेस है, देखिए एक बेस ये है तो 22 अगर नीचे है तो 22 जो है ऊपर भी होगा, अर्थात 22 22 44, अर्थात जितनी बेस लाइन होगी उतने से गुणा कर देंगे। तो एक बेस लाइन होगी तो 22 × 1, अगर एक बेस लाइन हुई तो देखिए 1 1 2 हो गए, यानी 22 × 2, 1 2 3 4 चार बेस लाइन है 22 × 4 तो 4 × 8 4 × 8, यानी कि इसमें अगर बात की जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, अब 88 हो जाएगा। पहले कितना था, अगर ये बेस लाइन केवल एक ही होती तो कितना रहता, 44। तो बेस लाइन अगर बढ़ेगा तो आपकी त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी, और त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, केवल यही नंबर डाल दीजिए, डालने के बाद जोड़ दीजिए। जैसे दीपक बता रहे हैं सर समझ में आ रहा है, ठीक है दीपक, कमेंट में आप लोगों का देखता हूँ लेकिन जो है पढ़ाने में बिजी रहता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का बनता है तो बाहर चार त्रिभुज का निर्माण होता है, और वो चार त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा, देखिए 1 2 3 तीन तो दिख रहा होगा आपका, चौथा आपका ये बड़ा वाला है, तो चार त्रिभुज का निर्माण होता है और 4 + 1 बीच वाला रहता है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 5। अगर यही चीज यही प्रक्रिया दोहरा दी जाए तो कुछ नहीं करना, देखिए इसमें चार तो कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 8 + 1 तो कितना हो जाएगा, 9। सबको समझ में आया कि कैसे चार हो गया, हमने बताया 1 2 3 और 4 ये बड़ा वाला, उसी तरह अगर इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 बड़ा वाला, यहाँ पे 1 2 3 4 बड़ा वाला, तो 4 4 8 और 8 1 बड़ा वाला, बीच में 9 8 1 9। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए। उसी प्रकार अगर आपका चतुर्भुज दिया गया, चतुर्भुज अगर दिया रहे और चतुर्भुज को ऐसे काट दिया जाए और कह दिया जाए त्रिभुजों की संख्या, तो कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर दीजिए, बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर दीजिए, अर्थात इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर चतुर्भुज दे दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं करना, नंबर कर दीजिए, नंबर करने के बाद क्या करें, गुणा कर दीजिए। जैसे एक प्रश्न और देखते हैं, यही कह दिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना, देखिए 1 2 3 4 4 × 4 = 8 प्लस, अगर इसकी बात की जाए तो 1 2 3 4 4 × 7 = 9 1 10, फिर प्लस 1 2 3 3 × 5 = 6 प्लस 1 2 3 4 4 × 7 = 9 1 10 प्लस 1 2 3 4 10, तो 10 10 20 10 30 6 36 36 और 8 8 6 14 44, अर्थात इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी।
किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। जैसे आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो कि आपकी सीरीज बनी रहती है। देखिए देखते हैं, आप देखिए यही है, कह दिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक चीज तो आपको पता है कि 1 2 3 4 तो 4 × 8 इसमें हो गया, 8 इसमें अर्थात 24, तो ये पूरा हो गया। फिर देखिए 1 2 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ अर्थात 2 2 4, तो 24 और 4 28। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या 28 है। अगर इसी तरह एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, और कह दिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताइए क्या कहेंगे आप लोग? 1 2 3 4, तो 4 × 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, तो 8 × 3 = 24, तो ये हो गया पूरा। फिर देखिए एक इधर ऊपर 2 हो गया, फिर यहां पे देखिए एक इधर ऊपर प्लस 2 हो गया, ठीक। और एक त्रिभुज देख रहे होंगे आप, एक त्रिभुज आपका बड़ा वाला है जो कि ये है, ये देख रहे होंगे आप, एक त्रिभुज आपका ये है, तो 3 अर्थात कितना हो गया? 24 4 28 और 1 29, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 29। तो ये चीज था आपका फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में आपका त्रिभुज, वर्ग और आयत पूछा जाता है, जिसमें त्रिभुज वाला जो रहता है ज्यादा पूछा जाता है, बाकी वर्ग और आयत वाला पूछा जाता है, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए द स्पीड स्टडी।